हेलो एवरीवन, आज हम लीचा टेलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे कि हमारा लीचा टेलियर प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है और ये कहाँ अप्लाई होता है। तो जो हमारा लीचा टेलियर प्रिंसिपल है वो फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लीचा टेलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट जो है वो समझेंगे कि हमारा लीचा टेलियर प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को हमने जो है एक कंटेनर में लिया और हमने ऐसी कंडीशन अप्लाई की ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लगे। तो दोनों के रिएक्शन से जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहा है उतनी ही अमाउंट में अमोनिया ब्रेक होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहा है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां पे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और प्रोडक्ट जो है साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है कि जितने अमाउंट में रिएक्टेंट जो है मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं सेम अमाउंट में प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज हो गया तो यहां पे क्या होगा, स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन जो है फिक्स हो गए, यहां पे रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो गया, यहां पे अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हमारा प्रेशर फिक्स हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कोरिलेट करता है, मतलब अगर आपने प्रेशर हाई किया तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर को लो करोगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमारे ये टर्म फिक्स हो जाते हैं जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर इक्विलिब्रियम बन गया इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जो हमारे रिएक्टेंट हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें बेशुमार प्यार जो है वो पनपने लगता है, चीजों का आदान प्रदान जो है वो साइमल्टेनियसली होने लगता है। जितने अमाउंट में रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं सेम अमाउंट में प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाता है। तो इन दोनों में भरपूर प्यार जो है वो उत्पन्न हो जाता है जिस कारण इनके संबंध जो है बहुत मधुर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनके संबंध जो है उनमें दरार पैदा की जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो टर्म है इनमें छेड़छाड़ करनी होगी। इनमें से आपने किसी भी टर्म में छेड़छाड़ कर दी तो इनके संबंधों में जो है वो दरार आ जाएगी। तो उस दरार को खत्म करने के लिए ये क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिससे कि वो दरार खत्म हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां पे टेम्परेचर के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से बन जाए, मधुर संबंध दोबारा से बन जाए। अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया या फिर वॉल्यूम को चेंज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है ताकि इक्विलिब्रियम फिर से बन जाए, दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेब्लिश हो जाए। तो हमारे लीचा टेलियर का प्रिंसिपल भी यही है कि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को, टेम्परेचर को, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां पे उस इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से बन जाए। इसी को हम लीचा टेलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा,
If a system under equilibrium be subjected to a change in temperature, pressure or concentration, then the equilibrium shifts itself in such a way so as to undo or neutralize the effect of the change. तो आइए वन बाय वन जो है हम इन चेंज की डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके बाद हमारा पहला फैक्टर है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें तो निश्चित तौर पे उनके बीच बना जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से स्थापित हो सके, इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाए. हम एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन होके क्या बना रहा है? HI बना रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना हाइड्रोजन आयोडीन मिलके HI बना रहा है उतना ही HI जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहा है. तो ये कंडीशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन. यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट जो है वो इक्वल होते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल होती है. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो स्थापित हो गया. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो Kc है वो क्या होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इसका स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में बैलेंस करनी पड़ेगी, अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन. तो सपोज Kc जो है इसकी वैल्यू जो है वो XI. अब आपने क्या किया, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. तो फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को नलीफाई किया जा सके. तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज तभी नलीफाई होगा जब प्रोडक्ट जो है वो और ज्यादा बने, तभी इक्विलिब्रियम दोबारा से स्थापित होगा. अगर हमने आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करेगी ताकि आयोडीन के बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन के प्रभाव को नलीफाई किया जा सके, खत्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके. अगर हमने हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम स्थापित हो सके. अगर हमने यहाँ पे HI के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से बन सके. अगर हमने यहाँ पे HI को जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया तो भी हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडीन मिलके और ज्यादा HI बनाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम स्थापित हो सके. तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है ताकि उस कॉन्सेंट्रेशन के प्रभाव को नष्ट किया जा सके, नलीफाई किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके. और याद रखना, आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी चेंज कर दो, जब दोबारा से इक्विलिब्रियम बनेगा तो Kc की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम होगी. आप चाहे कितना भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, जैसे इक्विलिब्रियम दोबारा से बनेगा Kc की वैल्यू जो है वही आएगी. तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो चेंज कतई नहीं होती, कभी नहीं होगी. ये याद रखना, Kc की न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा एक्स ही आएगी. तो अब हम इस स्टेटमेंट को जो है वो नोट कर लेंगे. द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. The increase of the concentration of any of the product shift the equilibrium towards backward direction. अगर आप reactant के concentration को increase करोगे तो reaction forward direction में shift होगी ताकि दोबारा से equilibrium स्थापित हो सके. अगर आप product की concentration को increase करते हो तो reaction जो है वो backward direction में shift होगी ताकि equilibrium दोबारा से स्थापित हो सके. इसके बाद हमारा second change आएगा, effect of pressure और volume change. तो प्रेशर का इफेक्ट या वॉल्यूम का इफेक्ट तभी अप्लाई होता है जब हमारे रिएक्टेंट और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट
दोनों ही गैसियस स्टेट में हो, तभी प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का इफेक्ट केवल और केवल गैसियस मीडियम में होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट ना तो सॉलिड मीडियम में होगा और ना ही लिक्विड मीडियम में होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट जो है वही केमिकल रिएक्शन शो कर सकती है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों कैसे हो, गैसियस स्टेट में हो, तभी प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो गैस भर दी है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो गैस भरी, तो ये मिलके क्या करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो अमोनिया गैस जो है वो बन रही है और यहां पे हमने जो है वो ऑटोमेटिक पिस्टन जो है वो लगाया हुआ है। अब यहां पे इक्विलिब्रियम जो है इस कंटेनर में बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को करेंगे हाई। तो प्रेशर को हाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिस्टन को जो है नीचे की तरफ पुश करना होगा। तो भैया पिस्टन को हमने नीचे की तरफ जो है वो पुश कर दिया, तो यहां पे प्रेशर हमने कर दिया हाई। प्रेशर हाई हुआ इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। अगर आप कंटेनर के प्रेशर को हाई कर दोगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब यहां पे दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगा। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है ये उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो। तो देखो जरा, हमने इस रिएक्शन के प्रेशर को कर दिया हाई, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे रिएक्टेंट के 4 मोल हैं और यहां पे प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम बनेगा, इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और हमारी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी जब आप प्रेशर को हाई करोगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब राइट साइड में मूव करेगी। तो भाई हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड पे रिएक्शन जो है वो मूव करेगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो मूव करेगी। तो जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से स्थापित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे केसी की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेशियो है ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। जब इस जगह इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा तो यहां भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब। तो केसी की वैल्यू जो है निम्नलिखित वैल्यू वो चेंज नहीं होती, ये याद रखना। तो ना ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने पर या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने पर, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से बना HI, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब यहां पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं और यहां पे कितने मोल हैं, यहां भी 2 मोल हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है, ये भी सब गैस में ही है, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पे प्रेशर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन एंड आयोडीन भरा तो HI का फॉर्मेशन हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। अब हमने प्रेशर को हाई किया, प्रेशर को हमने हाई कर दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जहां पे मोल्स जो है कम हो, लेकिन यहां पे तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो फिर ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो यहां पे
प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, ना ही वॉल्यूम का इफेक्ट होता है। एक रिएक्शन और लिख ले रहे हैं, PCl5। इसको हम हीट करेंगे तो ये PCl3 और क्लोरीन में जो है वो डिकम्पोज होगा। यहां पे ये गैस में है, ये गैस में है और ये गैस में है। इस तरफ 1 मोल है और इस तरफ कितने मोल है, 2 मोल है। ये नंबर ऑफ मोल हमें कब लिखना है, जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो। तो यहां पे अगर हम प्रेशर को हाई कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे चेंज ऑफ प्रेशर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिएक्शन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा सके। तो चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ वॉल्यूम को जो है वो हम डेल्टा एन के थ्रू बताते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर जीरो है इस जगह पे, डेल्टा एन की वैल्यू कैसी है, जीरो है, तो यहां पे चेंज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा एन की वॉल्यूम पॉजिटिव कब होगी, तो डेल्टा एन क्या होता है, NP-NR। तो प्रोडक्ट के कितने मोल है, यहां पे 2 मोल है, रिएक्टेंट के 1 मोल है, तो टोटल कितना हो गया 1, तो डेल्टा एन कितना हो गया प्लस, पॉजिटिव हो गया ना डेल्टा एन। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, तभी आपका इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डेल्टा एन नेगेटिव कब आएगा, NP-NR, ये तो हमारा डेल्टा एन कहलाता है। तो इस जगह देख लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, यहां पे प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट के 4 मोल है, तो प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 4 मोल, तो डेल्टा एन -2 हो गया। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तभी इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से एस्टेब्लिश होगा। तो ये हमारे चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट हो गया। तो बस आपको डायरेक्ट एक ही चीज याद रखनी है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होंगे। बस ये की पॉइंट है, आप पकड़ के रखो। इसके बाद हमारा थर्ड फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो रन कर रही होगी, जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो चल रही होगी। और अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मूव कर रही होगी, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो सके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, कंबाइन करके इन्होंने बनाए अमोनिया। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है, इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। अब यहां पे 2 रिएक्टेंट है, 1 प्रोडक्ट है। जब ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे 2 रिएक्टेंट मिलके 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। और अगर ऐसा हो कि 1 रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर हमने टेम्परेचर को हाई किया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हाई जो है वो फेवरेबल होता है, तो मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होने लगेगा, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो जाए। अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो क्या होगा,
रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ओर शिफ्ट होगी, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाए। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो पुनः इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के लिए रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे टेम्परेचर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो टेम्परेचर अगर हाई है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करती है, अगर टेम्परेचर लो है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगी। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाया तो इस जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू सपोज एक्स है, हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया। टेम्परेचर हाई हुआ मतलब अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो पाए। जब दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू जो है वो एक्स के इक्वल नहीं होगी, वो चेंज होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, केवल और केवल टेम्परेचर के कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ये याद रखना, आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, आप प्रेशर को चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप कैटलिस्ट यूज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर में छेड़छाड़ करते हैं तभी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे PCl5, इसको हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके PCl3 बनाएगा और Cl2 बनाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक नेचर की होती है, ये याद रखना। और चूंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी। अब चूंकि यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है मतलब यहां पे टेम्परेचर जो है वो फिक्स है। अब सपोज आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हाई टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी कैसी है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली है, तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेंगे। अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो क्या होगा, लो टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है, और एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन ये है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे तभी इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से एस्टेब्लिश होगा। और दोनों ही जगह केसी की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, अलग अलग आएंगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, और वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद हमको ये पता लगाना है कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करेंगे तो जितनी भी हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, जैसे कि C+O2CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2। तो जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज वो कैसा होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब यहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की 99% रिएक्शन जो है
वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। तो एक्सेप्शनल केस देख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बनता है एनओ। ये हमारी कैसी होती है कि एंडोथर्मिक नेचर की होती है। हाइड्रोजन आयोडीन के कॉम्बिनेशन से HI, ये भी एंडोथर्मिक होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन से C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मेशन होना, ये भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। NO+O2 से NO2 बनाना, ये भी हमारा एंडोथर्मिक नेचर कहलाता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की ये कुछ रिएक्शन जो हैं वो कैसी होती हैं? वो एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, जो कि एक्सेप्शन केस है। बाकी 99% रिएक्शन जो है वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है, तो हाई टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल होगा, लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है। इसके बाद हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो हमारी एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। तो 99% डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनेगा, ये कैसा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ΔH जो है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है। अमोनिया हीट करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। PCl5 हीट करोगे तो क्या बनेगा? PCl3Cl2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और 99% डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। और एंथैल्पी चेंज जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होंगे, तो जो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एक्सेप्शनल केस हैं वही हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एक्सेप्शनल केस होंगे। जैसे हमारा एनओ है, इसको आप हीट करोगे तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और डिकम्पोज होगा, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी? ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है ना? तो ये एक्सेप्शनल केस है। एसिटिलीन C2H2 हीट करोगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जो एक्सेप्शनल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थे वही एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एक्सेप्शनल केस होंगे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, ये तय है। तो अब आप समझ गए कि कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी और कौन सी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होगी। इसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन रेट जो है बहुत स्लो है, अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड जो है बहुत स्लो है। अगर हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करें आयरन, तो इसका काम क्या है? ये अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो तेज गति से होगा, तीव्र गति से होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगा, तो ये इक्विलिब्रियम जो है बन गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इस कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस रेट से रिएक्शन चल रही है, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन उसी रेट से रन करेंगी, उसी रेट से चलेंगी। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती।
केसी की न्यूमेरिक वैल्यू केवल और केवल तभी चेंज होती है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। टेम्परेचर के चेंज होने पे ही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती है। बाकी आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, वॉल्यूम को चेंज करें, कैटालिस्ट का यूज करें, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद हमारा फिफ्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करा दें तो इस इनर्ट गैस का उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। तो इनर्ट गैस का एडिशन जो है वो दो कंडीशन पे डिपेंडेंट है। पहली कंडीशन, अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन करा रहे हो लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो सपोज कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो इस कंटेनर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया जो है बनाया और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब आपने क्या किया कि यहां पे हमने इनर्ट गैस जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी, सपोज आपने आर्गन गैस जो है वो डाल दी। अब यहां पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, अब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो हमको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इसका मतलब ये है कि गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो चेंज नहीं होंगे, और जब वो चेंज नहीं हुए तो फिर इनर्ट गैस को आपने ऐड करा दिया तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जो है एज इट इज बना रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन आप कराते हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज नहीं होते और इनका पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं होता। तो जब पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ, गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए, तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एज इट इज बना रहेगा, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इनर्ट गैस कितनी भी ऐड करा दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट अपनी स्थिति से टस से मस नहीं होगा, वो एज इट इज जो है वो बना रहेगा। इसके बाद अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करा रहे हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो जरा, ये कंटेनर है, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। यहां पे हमने पिस्टन लगाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है। अभी वॉल्यूम जो है वो इतना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहां पे इनर्ट गैस जो है वो इंट्रोड्यूस करा तो निश्चित तौर पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन आपको प्रेशर क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर तभी कांस्टेंट रह सकता है जब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, समझ लो आपको। तो नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन अमोनिया बना। तो जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गए। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गए मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए।
तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे। तो देखो भाई, रिएक्टेंट साइड चार मोल है और प्रोडक्ट साइड केवल दो ही मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और चूंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमें गैस के मोल्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कंटेनर के अंदर का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, और ये तभी हो सकता है जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है वो बढ़ जाए। इसी कारण अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं, जिस कारण नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गैस के बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ रिएक्शन लिखा, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो ऐसी रिएक्शन जहां पे डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो ये रिएक्शन हम लिख लेते हैं H2+I2 से HI बना। यहां पे डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो आप इस कंटेनर में इनर्ट गैस को ऐड कराओगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड कराया तो भी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जो है एज इट इज बना रहेगा। ऐसी रिएक्शन जहां पे डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट के ज्यादा मोल बन रहे हैं, तो रिएक्शन लिख लेते हैं अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन एंड 3H2 में, तो डेल्टा एन यहां पे कितना है NP-NR, मतलब 4-2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन में कितनी है, +2 है। और इस रिएक्शन के कंटेनर में आपने इनर्ट गैस का एडिशन कराया, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन करा रहे हो तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, उनके पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहे, तो इक्विलिब्रियम जो है एज इट इज बना रहेगा। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन कराया, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस का एडिशन करा रहे हो मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये जो कंपोनेंट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे दो मोल है और यहां पे चार मोल है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट डायरेक्शन में। अगर डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव है PCl3Cl2 के कॉम्बिनेशन से जो है वो PCl5 बना, तो यहां पे एक मोल है और यहां पे दो मोल है, तो डेल्टा एन जो है वो -1 आएगा। डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1 और रिएक्टेंट के मोल 2 है, तो ये -1 आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन करा रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है वो भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन कराया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कहां बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से एस्टैब्लिश होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस का एडिशन कराया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, तभी आपका इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से एस्टैब्लिश होगा। तो ये हमारा डी चैटेलियर प्रिंसिपल था।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।